कई की बात नहीं तो आपको लड़की दिखाई थी क्या उन्होंने तो जगदीश है जो खुद घर पर आया था मेरे भोपावाड़ा का रहने वाला है। उसने कहा 1.5 लाख में शादी कराती है मेरी बुआ जी, तो 10,000 रुपये पहले इसने जमा करवाए खाते में, उसके बाद 1,35,000 खुद वहाँ पे दिलवाए हैं और उसके सामने दिलवाए थे पैसे। जब मेरी मम्मी भी थी उसकी बुआ जी वो जो इरावती है वो जगदीश और उसका लड़का धनंजय उनके सामने दिलवाए थे पैसे, गिने थे 2 बार थे। कहाँ पे करने की शादी? कहाँ शादी तो कहते भाई उत्तर प्रदेश में कराती है। अच्छा, आप गए? कब गए आप? हम गए पहले तो हम गए थे 24 नवंबर 2017 में लड़की देख कर आए, उसके बाद में 2 दिसंबर 2017 में वापस शादी करने गए थे। तो इसके बाद में वो क्या है कि उन्होंने 6 तारीख को शादी कराई, शादी कराते ही वो लड़की जो है वो चंदौली से मिर्जापुर के रास्ते में भाग गई थी। किसको दिए पैसे आप? पैसे इरावती जगदीश की सास को दिए थे। एजेंट है? एजेंट ही है। वो लड़की आपके साथ रही थी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं रही थी, रास्ते में ही भाग गई वो। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा मुझे कि 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में अगर वो लड़की को पकड़ेंगे नहीं तो दूसरी जगह रिश्ता कराएंगे, नहीं तो या तो फिर पूरा पैसा रिटर्न करेंगे। पैसे दिए अभी तक तो कोई, हमने तो दिए थे 1,45,000 रुपये। रिपोर्ट कराई इसकी थाने में? नहीं कोर्ट से कराया, केस करा के फिर रिपोर्ट हुई सिविल लाइन थाने में। शादी किस तरह से हुई वहाँ पे? शादी तो यू जैसे वो 7 बार से मांग भरते ना वो कराई, और वो आर्टिफिशियल गहने थे, एक चांदी की पायजेब भी थी तो वो ले कर भाग गई वो। ठगी के शिकार हो गया? हाँ मैंने धोखाधड़ी हुई, लेकिन ये जो भी अभी मेरी बातें हैं वो फ़ोन में रिकॉर्ड है, उसके सबूत। हम ये चाहते कार्रवाई हो और उन पर पैसे भी वापस मिले और कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपका नाम बताओ? मेरा नाम प्रदीप है।